अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जरीन खान और मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज कैबेज मंचूरियन, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, और इसके साथ खाई जाने वाली एक चटपटी सी चटनी बनाते हैं। आइए हम उसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चटनी के में इस्तेमाल होने वाली चीजों को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ली है 7 से 8 रेड मिर्ची और 5 से 6 टमाटर और 1 मुट्ठी लहसुन। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची और ज्यादा ले सकते हैं, और अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तीखा तो इसे इस तरह से हाथ से तोड़कर इसके बीजेस अलग कर सकते हैं। अब हम इसे टमाटर को इस तरह से कट लगाकर लगा लेंगे और फिर हम इसे कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर एक कुकर रखेंगे। कुकर में मैंने 2 कप के करीब पानी डाली हूं, और अब इसमें मैं ये टमाटर और ये मिर्चों को इस तरह से हाथ से तोड़कर डाल देती हूँ। हमारे यहाँ पे मीडियम तीखा खाते इसलिए मैंने इतनी मिर्ची ली, और अगर आप ज्यादा तेज खाना पसंद करते हैं तो आप और भी मिर्ची डाल सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 सीटी आने तक बॉईल करेंगे। मैंने कुकर को 3 सीटी लगाकर इसे ठंडा होने दी। अब आइए हम खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर का छिलका भी निकल चुका है, बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसके टमाटर को अलग कर लेते हैं। आप चाहे तो भगोने में भी इसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर लगती है भगोने में बॉईल करने, और टमाटर कुकर में लगाने से 2 या 3 सीटी में बहुत अच्छे से ये गल जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे। इसीलिए आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इस तरह से इसके छिलके अलग कर लेंगे। ये देखिए कितने इजीली छिलके रिमूव हो रहे हैं। हम सभी छिलके निकाल लेंगे। अगर आप चाहे तो बिना छिलके निकाले भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन फिर वो मजा नहीं आता है। देखिए, मैंने सभी टमाटर के छिलके रिमूव कर ली और इस तरह से इसे कट कर ली। अब हम इसमें से कुकर से मिर्ची को भी निकाल लेते हैं और उसे भी ठंडा कर लेंगे। ध्यान से कीजिए भाई, बहुत ही गर्म है। जैसे ही ठंडे हो जाएंगे हम इसे एक मिक्सी पॉट में डालकर एकदम बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने सभी मिर्ची और टमाटर को पॉट में डाल चुकी हूँ, और ये जो लहसुन हमने लिए थे इसे भी हम इसी के साथ डालकर पीस लेंगे। और ये पानी हमें फेंकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो ये पानी चटनी में यूज करेंगे, और अगर नहीं चाहिए आपको तो आप ये फेंक सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही फ्लेवर होता है, इस पानी को फेंकना नहीं हमें, इसे हम आगे चटनी में यूज करेंगे। देखिए, मैंने इस टमाटर और मिर्ची लहसुन के को एकदम फाइन बारीक पीस ली हूँ। ये देखिए कितना फाइन पीस ली हूँ। आप जितना हो सके उतना बारीक कीजिए। अब हम इसको एक तड़का लगाएंगे। अब हम चटनी को बघारते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक भगोना रख दिया है। अब हम उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे।
कोई भी ऑयल डाल सकते हैं आप, सिर्फ सरसों का तेल मत लेना। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम डालेंगे उसमें ये यहाँ पीसी हुई हमारी चटनी। चटनी डालने के बाद हम उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के हिसाब से नमक है। हम ये तीनों चीजें डालकर मिला लेंगे। ये चीजें मिलाने के बाद हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से इस चटनी में एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही टेस्ट आ जाता है और ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। हम इसमें मैगी मसाला जो के इस तरह का होता है ये हम एक पाउच डालेंगे। मैगी मसाला डालने से ये चटनी का टेस्ट एकदम बाहर वाली चटनी के जैसा हो जाता है। अगर आप मैगी मसाला नहीं डालना चाहते तो आप चाट मसाला और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डालकर भी ये चटनी बना सकते हैं। अब हम इस चटनी को 5 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपको ये चटनी घट लगती है, गाढ़ी लगती है, तो आप इसमें जो पानी हमने बॉईल करके बचा हुआ था हमारा, वो हम इसमें 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून अपने हिसाब से ऐड करेंगे। हमें चटनी अभी ये बहुत ठीक है, हमें इससे थोड़ी पतली चाहिए, इससे थोड़ी लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे। इस तरह से हमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इस चटनी को हम 5 मिनट अच्छे से पकने देंगे धीमी आंच पे। अब हम मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। मैंने ली हूँ मंचूरियन के लिए 1 किलो कैबेज जिसे मैंने इस तरह से किसनी से किस ली हूँ, बहुत ही बारीक किसी हूँ मैंने। अब हम इसे मैंने फिर धोकर छान लियो अच्छे से। अब हम इसमें नमक मिलाएंगे, नमक हम टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे इसमें, और मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक डालियो। मेरा कैबेज 1 केजी के आसपास है। अब हम इसे इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे। नमक डालकर इस तरह से मसलने से कैबेज अपना पानी रिमूव करता है और फिर हमें इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं होगी। हल्का अगर लगता है तो हम 1 या 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, वरना नहीं लगती हमें पानी की जरूरत इसमें। जितना हम ज्यादा नमक के साथ इसे मसलेंगे, नमक डालकर हम जितना ज्यादा उसे मसलेंगे उतना ही कैबेज अपना पानी रिमूव करता है। और ये दिखने में इतना ज्यादा दिख रहा है नमक, जितना हम इसे मसाज करेंगे उतना ही ये कम होता जाएगा क्वांटिटी में। ये देखिए मुझे मसलते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी तक, और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट तक इसे मसलते हुए मिलाएंगे। ये देखिए 2 मिनट तक मैंने नमक के साथ इसे अच्छे से मिक्स की हूँ और ये देखिए कितना पानी रिलीव्स हो रहा है इसमें से। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं जो कि यू है 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर और गार्लिक यानी अदरक और लहसुन का पेस्ट लियो। 1/4 टीस्पून मैंने चाट मसाला ली हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने अजीनोमोटो लियो, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप मिर्ची अपने हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली तीखी वाली ली हूँ और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून ली हूँ, और ये फूड कलर है, इससे मंचूरियन का बहुत ही अच्छा कलर आता है। अभी हम इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए
इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल कर मिलाएंगे। ये देखिए फूड कलर से कितना अच्छा कलर आता है, बिल्कुल बाहर जैसे मंचूरियन बनते लेकिन खाने में इसका टेस्ट बाहर से भी अच्छा होता है। बाहर वाले कैसे भी ऑयल में बनाते हैं और आजकल तो हमें घर बैठे बैठे इतनी अच्छी टेस्टी चीजें मिल जाती, तो फिर हम बाहर की चीजें जितनी हो सके उतनी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बाहर की चीजें अच्छी नहीं होती है और वह बहुत ही कॉस्टली भी पड़ती है। इसलिए कम बजट में और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे हिसाब से हम बना सकते हैं। ये देखिए सिर्फ इतना अच्छा कलर आ चुका है। और अब मैं इसमें इतने कैबेज में एक कटोरी मैदा लियो मैंने वो ऐड करूंगी, और हाफ कटोरी मैंने कॉर्न स्टार्च लियो। आप इसके अगर अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये दोनों को मैं डालकर अच्छे से मिला दूंगी। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं किया, क्योंकि कैबेज का इतना पानी रिमूव हुआ है, इतना पानी छोड़ा है कैबेज ने कि वो मेरे को आटा खिलाने के लिए बहुत है। ये देखिए आटा गलाने के बाद कैबेज कितना बच हो गया है। इसमें से जब मैंने स्टार्ट में बताई थी कितना कैबेज था और अब कितना हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सबसे पहली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। दो मिनट तक हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए। अब हम इसमें लास्ट में एक मसाला डालते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, और वो है मैगी मसाला। इसका एक पूरा पाउच हम डालेंगे मैगी मसाले का, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च और कॉर्न पाउडर डालने का मतलब यही होता है कि हमारे जो ये भजिए मंचूरियन है ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, और मैदा डालने से हमें बाइंडिंग मिलती है। अब हम इसे फ्राई करते हैं। अभी हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर मैंने एक भगोना रखी हूं, और इसमें अब हम फ्राई के लिए ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए मेरा ऑयल अच्छे से हीट आ रही है मेरे ऑयल में से, और अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल अच्छा गर्म होने देने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे बॉल छोड़ेंगे। इसे हमें राउंड शेप का बनाकर नहीं छोड़ना है, इसे हमें राउंड शेप में नहीं छोड़ना है, इसे हमें किसी भी शेप में ये बस इसे तोड़कर डालना है। उसकी वजह से वो और भी क्रिस्पी बनते हैं। इस तरह से हम टर्न करते हुए गैस मेरा बिल्कुल भी लो पर है। अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने गैस मीडियम पे लो कर दी। ये देखिए दो मिनट के बाद इस तरह से दिखने लगेंगे। अभी हमने हाई फ्लेम कर दिए, और अभी हाई फ्लेम पर इसे दो मिनट तक और पकने देंगे। देखिए हमारे मंचूरियन एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं, और अभी हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट पर निकाल लेते हैं, और अभी हम इसमें दूसरे डाल देते हैं। इसी तरह से हमें सभी मंचूरियन को फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार आप प्लीज फ्राई कीजिए, आपकी पूरी फैमिली को ये बहुत अच्छे लगेंगे। बच्चे बड़े ही क्या, बच्चे सभी को ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने
भजिए एक प्लेट में निकाल दी हूँ। और ये देखिए कितने क्रिस्पी बने, ये देखिए आप आवाज सुनकर समझ सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी भजिया बना और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी है, ये देखिए। और ये है हमारी चटनी और ये है केचप। अभी आप इसे सर्व करके सबको खिलाइए और थोड़ा सा धनिया के साथ हम इसे गार्निशिंग कर देते। अगर आपको मेरी चैनल मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली अगली रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।